तो इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी नेवी की वैकेंसी आई थी और जिसके एग्जाम आपके 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको एग्जाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं, साथ साथ आपको जो एग्जाम में कौन कौन सा ड्रेस कोड को फॉलो करना है। और जो आपका एक क्यूरी आ रही थी, मतलब एक कमेंट आ रहा था कि हमको जो एग्जाम में हॉल टिकट कौन सा लेके जाना है। ठीक है, आपको पता है कि एग्जाम में आपके पास एक तो एडमिट कार्ड आया होगा, साथ साथ आपको जो एग्जाम का सेंटर का वो होता ना, वो भी आपके पास है। तो सभी का कमेंट था कि क्या क्या लेके जाना है और कौन कौन सा वहाँ पर ड्रेस कोड फॉलो करना है, साथ साथ जो भी इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग न्यू है चैनल पर, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक वीडियो को लाइक कर देना, एंड जिसका भी एग्जाम है उस तक इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, तो जैसे आपने अपना एडमिट कार्ड चेक किया होगा, एडमिट कार्ड चेक करने के लिए सबसे पहले बता दूं कि आप नेवी की जो ऑफिशियल साइट होती है ना, वहाँ पर जाकर आप नेवी में सब नेवी का कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद में जो आपने ईमेल आईडी फिल करनी है और फिर आपको पासवर्ड फिल करना है। ठीक है, दोनों को फिल करने के बाद में फिर आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में अपना एडमिट कार्ड देख सकते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके का होगा, मैं एडमिट कार्ड को आधा दिखा रखूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि वहाँ पर केवल आपको एग्जाम सिटी दिखा रखा है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसमें एग्जाम सिटी जयपुर है, लेकिन आपका जो एग्जाम सेंटर है ना, कि आपका एग्जाम किस सेंटर पर लगेगा, वो इसमें नहीं शो कर रहा है। ठीक है ना, और हमें स्टूडियो में जाने के वो चेक कैसे करना है। तो ये सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, जिस सबसे पहले अपना जो भी एग्जाम का डेट है ना, वो चेक कर लेना है कि आपको एग्जाम किस तारीख को है। ठीक है, और एग्जाम से 3 दिन पहले आप नेवी की ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हो कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है। ठीक है, मतलब हॉल टिकट कहाँ है, वो आप नेवी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हो। और हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे किस प्रकार आपको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपके नेवी के साइट, मतलब वहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि निर्देश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको ये शो कर रहा है कि जो अभी आपका मतलब एग्जाम सेंटर है ना, वो 72 घंटे, एग्जाम से 72 घंटे पहले आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट में आप देख सकते हो कि आपको मतलब जैसे आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड होता है ना, एडमिट कार्ड की आपको कलर फोटोकॉपी लेके जानी है। ठीक है, आपको कलर फोटो लेके जानी है, जो आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाते हो ना, वो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आपको क्या क्या लेके जाना है, जो आपकी वैध आईडी मतलब जिसमें आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी होते हैं ना, वो आप अपने साथ लेके जाने हैं। साथ साथ आप जो आपने एडमिट कार्ड में फ़ोटो दी है ना, दो मतलब फ़ोटो आपने अपलोड की है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो आपको दो लेके जानी है। एंड आप मेरी मानो तो आपको क्या करना है कि जो भी फ़ोटो होती है ना, वो दो से नहीं 3 लेके जाना है। ठीक है, कई कई बार वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, आप या आपकी जो फ़ोटो है वो खो भी जाती है, तो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप ज़्यादा फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में ये शो कर रहा है कि आपको वहाँ पर जैसे आपकी एग्जाम होगी, तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी चेकिंग होगी थी। ठीक है, चेकिंग के बारे में आपको पता है कि हर एग्जाम में आपकी चेकिंग होती है। ठीक है, एंड ये जो बाकी के पॉइंट है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है, ये मैं आपको देख सकते हो, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दूंगा इसमें। एंड और ये आपके एग्जाम के बारे में बताया गया कि आपके जो एग्जाम की टाइमिंग है वो 90 मिनट की होगी, साथ साथ आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में होते हैं, मतलब सॉरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं। एंड जो आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्जाम में नहीं होती है। ठीक है, अब बात यह पर कुछ लिखा रखा है कि उम्मीदवार को नीचे दिए गए विषय में परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप इनमें से कोई प्रॉब्लम करती हो, मैं या कोई भी चीज़ें को फॉलो नहीं करती हो, तो आपको वहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले कि जैसे गेट बंद होने के समय के बाद केंद्र पर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार, जैसे आप क्या हो कि जब आपका एग्जाम है ना, उससे आप आधे घंटे पहले पहुँचना है। ठीक है ना, रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे पहले पहुँचना है, ना कि एग्जाम से आधे घंटे पहले। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है ना, उससे आधे घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है, अदरवाइज वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आप एडमिट कार्ड की फ़ोटो नहीं ले जाओगे, या जो कलर फोटो वो कॉपी नहीं ले जाओगे, तो भी आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर आप जो आपकी आईडी नहीं लेके जाओगे, तो भी आपको नहीं दी जाएगी। एंड आपको जो फ़ोटो होती है ना, पासपोर्ट साइज, वो नहीं लेके जाओगे, तो भी आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो आप लेके जाने हैं आपको।
ठीक है ना। और एक डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी 10th की मार्कशीट है ना ओरिजिनल, वो भी साथ ले जाना, अदरवाइज कोई मांगता तो नहीं, अदरवाइज मांग ले तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप ले जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर एंड ड्रेस कोड की बात करें तो यहाँ पर ड्रेस कोड यहाँ पर शो हो रहा है कि मतलब अभ्यर्थियों की सलाह दी जाती है कि वे साधारण कपड़े पहने, त्वरित तलाशी के साथ निम्नलिखित विभिन्न कपड़े पहनने से बचे, ठीक है ना। इसमें का मतलब यह कि है कि आपको जो भी कपड़े पहनते हो ना वो आपके नॉर्मल होने चाहिए, कि कई कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे वो ऐसे कपड़े पहन जाते हैं जो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम मतलब जैसे कोई भी आपकी पैंट होती है ना, वो उस पैंट पे ज़्यादा से ज़्यादा जेब होती है ना, ठीक है ना, वो वहाँ पर प्रॉब्लम कर सकती है। साथ साथ आप अगर आपके जो शर्ट के बटन होते हैं ना, अगर वो थोड़े भी बहुत उसके होते हैं ना लोहे टाइप के, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। आपको मेरी बात मानो तो वहाँ पर आप अपनी जो टी शर्ट पहन सकते हो, साथ साथ अपने जो भी मतलब नॉर्मल पैंट होती है ना वो पहन सकते हो, ठीक है। और ये आपके देख सकते हो कि ये परमिट है, ये आप देख सकते हो कि अगर आप एग्जाम सेंटर में चप्पल सैंडल पहन जा सकते हो, सादे कपड़े पहन सकते हो, कुर्ता वगैरह पहन सकते हो, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हो एंड जूते वगैरह वहाँ पर आपको अलाउ नहीं होंगे, कोट जैकेट भी अलाउ नहीं होंगे, जो भी बड़े बटन होते हैं ना वो भी अलाउ नहीं होंगे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं कि आपको जो अपना हॉल टिकट है वो कैसे चेक करना है। चेक करने के लिए एक, ठीक है, अब बात करते हैं कैसे चेक करना है। अब बात करते हैं नेवी का जो आपका एग्जाम सेंटर कैसे चेक करना है। सेंटर चेक करने के लिए सबसे आप पहले आपको क्रोम में आना है। क्रोम में आने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है नेवी IN, फिर आपको सर्च करना है INCET, ठीक है। ये जैसे आप सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार की एक साइट आएगी, ठीक है ना। इस पर आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, एंड फिर आपको पासवर्ड फिल करना है, देन आपको फिर आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इन चीज़ों को फिल कर दोगे तो अपनी आपकी जो वो होगी एग्जाम सेंटर होगा वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप अपने चेक कर सकते हो।